बोलो सर, मतलब मुझको दिखाई दे रहा है सर? हाँ शायद। सर, एक्चुअली मैं सीए इंटर का स्टूडेंट हूँ, आपसे कॉस्टिंग क्लासेस लिया हूँ। तो सर, एक्चुअली मैं ये कॉल रिक्वेस्ट किया था क्योंकि सर मेरा सिलेबस तो मोर और लेस खत्म हो गया है सर। कैसा लगा आपको पढ़ के, क्या समझ में आया? सर बहुत अच्छा लगा, क्लासेस बहुत अच्छा था। एक्चुअली आपके बारे में सजेस्ट किया था आशीष केडिया सर, है ना, आप उनको जानते होंगे, मैं उनसे 11-12 पढ़ा हुआ था। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि शायद इस सर से कॉस्टिंग ले सकते हो, तो बहुत अच्छा लगा। तो सर एक्चुअली सिलेबस मोर और लेस सर ख़त्म हो गया है। अभी क्या है कि सर दो चैप्टर्स बाकी है, आपका वो मार्जिनल कॉस्टिंग बाकी है और सर बजटिंग जो चैप्टर है वो बाकी है, बाकी दो क्लास बाकी सब हो गया है। तो सर रिविजन कैसे करें इसके बारे में ही जानना था। आपका जो DJB बुक था वो मैं सोच रहा था कि उसी से कर लूँ, तो उसका तो ICI मैट भी कवर्ड है उसमें, तो वही क्या सही रहेगा या सर क्या रहेगा हाँ, आपका? DJB है और उसका सप्लीमेंट्स भी है हमारे वेबसाइट पे, वो अच्छा सब करना पड़ेगा। और उसका सॉल्यूशन भी सब YouTube चैनल पे डाला हुआ है। हाँ वो तो देखा हूँ। तो एक आपका जो सवाल है ना, उसका DJB करने जवाब, से सर हो जाएगा? हाँ, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। CA इंटर प्रैक्टिस क्लासेस बोल के YouTube में एक प्लेलिस्ट है, CA इंटर कॉस्ट प्रैक्टिस क्लासेस, हाँ उसमें एक वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CA इंटर, उसको देखो अच्छा। तो आपको सारा आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। और सर एक्चुअली मेरा May 22 में एग्जाम है। मैं मतलब एक्चुअली CA इंटर का सभी क्लासेस तो ऑनलाइन है, सो ज़्यादा फ्रेंड्स या वगैरह CA तो कर रहे ऐसा नहीं बन पाया है। सर आप सर सजेस्ट कीजिए कि कितना देर तक मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब मोर और लेस रिविजन एंड ऑल ये सब कितना मतलब कब तक कंप्लीट हो जाने से सही रहेगा? अच्छा पहले क्लासेस सारा सब्जेक्ट का 3 महीना पहले खत्म हो जाना चाहिए, ठीक 3 महीना मतलब 3 months विल बी एनफ फॉर रिवाइज? देखो है? यस, 3 months इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज इनफ। 1 महीना में 8 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर 1 महीना में 8 सब्जेक्ट, फिर 1 महीना में 8 सब्जेक्ट, 3 बार रिवाइज करेंगे। ओके सर। और सर और एक चीज़ सर, एक्चुअली आप जब क्लासेस में सम्स करवाते थे कॉस्टिंग का, तो सर क्या होता था कि आप जैसे सर सम को पढ़ते थे ना, मतलब वो सब नया भी हो मतलब पहली बार भी कर रहा हूँ तो भी सर अच्छे से आ जाता था, मतलब जैसे आप जैसे क्वेश्चन को रीडिंग करते थे, हम लोग जब रीडिंग करते ना तो सर उतना अच्छा से रिटेन नहीं हो पाता है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन से कुछ एक पेज का सम है। तो ये सर रीडिंग स्किल्स मतलब ऐसा नहीं है कि माई इंग्लिश इज वीक, मतलब मैं इंग्लिश में स्ट्रांग हूँ, बट ये जो रिटेंशन है इसको कैसे इम्प्रूव करें मतलब ये पूरा प्रैक्टिस से पढ़? होता है, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको माइंड में ये प्रोग्रामिंग करना होगा। द मोर यू टाइम द मोर यू इन्वेस्ट इन रीडिंग द क्वेश्चन, द लेसर टाइम इज टेकन इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 करके करते करते आता है, ओवर नाइट नहीं आता है। अच्छा पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा पेशेंटली रीड करना और माइंड को सजाना है कि इफ आई गिव अच्छा टाइम टू रीड द क्वेश्चन, टाइम विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके तो वो जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, अपने आप आने लग जाएगा आपको। हाँ ओके सर, मोर और लेस तो यही था। और सर ऐसे एकेडमिकली मतलब कोई सांस में कोई डाउट वगैरह नहीं है, आपका क्लासेस करके बहुत मज़ा आया, मतलब अच्छा लगा। और सर DJB का तो YouTube से कर लेंगे, बाकी वो खुद भी सॉल्व कर लेंगे, तो तभी से मोर और लेस चलेगा ना? हाँ, और क्या चाहिए? उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे, अच्छा लास्ट हाँ। चार और टर्म सर का पेपर को सॉल्व आपका करेंगे। अगर मॉक टेस्ट देना है तो सर आपका SSC इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है इसके हाँ, बारे में? करता है ऑलरेडी, अभी वेबसाइट पे है, ठीक है? तो आपको वो इनरोल करके करना पड़ता है, क्योंकि तो उसका हम लोग चेकिंग करवाते हैं, उसका कॉस्ट लगता है। ओके तो जब आपका पहले एक बार रिविजन हो जाए प्रैक्टिस पूरा, उसके बाद आप कर लीजिएगा। ओके सर थैंक्स, बाकी तो सब सर सही है। चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट। ओके सर थैंक्स।